नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं तनवीर खान और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ खास हेडलाइंस पर। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक दिन में 67,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसी अवधि में करीब 63,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी अधिसूचित किए जाने पर उच्च न्यायालय की रोक के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका सुनने से बुधवार को इनकार कर दिया। YSR कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने सभापति एम वेंकैया नायडू को कृषि और सामुद्रिक उत्पादों, बागवानी फसलों, हल्दी तथा नारियल रेशा के निर्यात पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए योगी सरकार पर कड़ा हमला किया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इन वारदातों को रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को उन्होंने जो सलाह दी वह उचित थी और अब रिजर्व बैंक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।